तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे इवेंट्स ब्लॉक, ये जो इवेंट्स हैं इसके बारे में समझेंगे। ये जैसे ये पहला ब्लॉक है वैन फ्लैग स्केलेट, फ्लैग यहाँ पर है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ और इसके बाद कोई एक्शन इसको देता हूँ लाइक साउंड पे, चलो दे देते हैं स्टार्ट साउंड। ठीक, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये प्ले होगा, और यहाँ पर जाके मैं अगर एक्शन कर रहा हूँ तो भी ये प्ले होगा। ये देखो फ्लैग है ना, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और भी एक और दिखा देता हूँ आपको, से हेलो। यहाँ मैं इस ब्लॉक को यूज़ करता हूँ इसके साथ, और यहाँ मैं करता हूँ ये देखो हेलो। और इसी तरीके से ये बाकी हैं, इसमें अगर आप कोई स्पेस स्पेस पे अगर क्लिक करेंगे और कोई उसके बाद एक्शन देना चाहते हैं जैसे कि से हेलो, जैसे कि मैं स्पेस ही रखता हूँ और इसके बाद मैं लुक्स में जाके से हेलो कर देता हूँ। और अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, देखो ये अच्छा पहले से ही आ रहा है, तो ये ब्लॉक मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं स्पेस डिलीट करूँगा, ये पहले से हेलो है इसमें, तो इसको रिसेट ना करते हुए मैं दूसरा एक ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं। हेलो की जगह हेलो हाउ आर यू कर देते हैं, हाउ, ये यहीं पे टिकट हो जाएगा यहाँ पे हाउ आर यू। अब मैं स्पेस क्लिक करता हूँ, ये देखो हाउ आर यू आ गया। तो इसी तरीके से ये आप इवेंट्स वाले ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और है व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, एक ये भी ब्लॉक है, इसके साथ कोई एक्शन आप ऐड कर सकते हैं लाइक चलो हम कर देते हैं लुक्स का ही, साइज चेंज साइज बाय 10। ओके, मैं अब इस पे क्लिक करूँगा जब इस स्प्राइट पे, इसका साइज देखो चेंज होता जा रहा है, तो इसी तरीके से है। और अगर मैं इसको वापस करना चाहूँगा तो इसको मैं डिलीट करूँगा और चेंज साइज़ 200%, जो इसका एक्चुअल साइज़ था वो आ जाएगा, ये क्लिक करके मैंने कर दिया है। और इवेंट्स ब्लॉक की अगर हम देखें तो इसमें एक अलग से एक चीज़ नज़र आती है कि ये सारे के सारे स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं, ये दो जो हैं ये किसी से इनपुट लेंगे या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज डायरेक्ट करेंगे, तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी जैसे और ब्लॉक्स हैं वैसे ये ब्लॉक्स हैं।